पोइनसेटिया के बारे में आपसे मैं बात करूंगी और आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ पूरे अपडेट के साथ बना रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने इस पोइनसेटिया प्लांट को इस तरीके से देखिए पॉट में लगाया था और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। सारे इसमें देखिए ये पत्ते जो हैं ये रेड भी हो गए हैं और इसमें नई नई स्टेम्स भी निकल रही हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये सब। तो इसको मैंने कैसे लगाया, कैसे इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार की, इसकी केयर टिप्स क्या है, ये सब आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसको क्रिसमस फ्लावर भी बोलते हैं। क्रिसमस फ्लावर इसलिए बोलते हैं कि ये देखिए, जैसे कि आज है 25th of December और जो इसके फूल होते हैं ये छोटे छोटे से, आप जैसे ये देख रहे हैं ना, ये येलो कलर के इस तरीके से, ये देखिए छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं। तो ये फूल के लिए नहीं लगाया जाता है, ये अपने फॉलेज के लिए लगाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से, इसमें ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वो, मतलब अगर आप खरीदने जाएंगे तो जैसे मैंने ये रेड लिया है, पिंक आपको मिल जाएगी, वाइट मिल जाएगी और आजकल तो एक और वेरिएटेड से भी आने लगी है, उसमें जैसे रेड और वाइट का थोड़े से डॉट डॉट से भी रहते हैं। तो आप अपनी पसंद से खरीद सकते हैं। थोड़ा सा ये प्लांट कॉस्टली मिलता है, ये मतलब 150 के आसपास से होता है, इससे ऊपर ही मिलेगा, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे, मैंने एक शॉपिंग वीडियो भी इसका जब बनाया, मतलब ख़रीदा था मैंने, तो इसका एक शॉपिंग वीडियो बनाया था, मुझे ये बहुत सस्ता मिल गया था। तो वो कितना मुझे सस्ता मिला था उसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। चलिए अब आगे मैं बताती हूँ। तो देखिए ये कटिंग से भी लग जाता है और ये देखिए ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है, ये देख रहे हैं। तो अभी तो नहीं, फरवरी में मैं कटिंग इसकी तैयार करूँगी। और चलिए पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से पॉट में लगाया है और इसकी कैसे पॉटिंग सॉइल 2 महीने पहले तैयार की है। तो ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, ये मतलब ये मैंने लगाया था 28 अक्टूबर को लगाया था और आज 25th of December है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आज है 28 अक्टूबर और मैंने एक बड़ा गमला ले लिया है। ड्रेनेज होल के ऊपर आप एक पत्थर का टुकड़ा रख दीजिए और इसके साथ ये देखिए, ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है। तो पुराने गमले की मिट्टी में सैंड पहले से ही मिक्स है, मैंने इसको अच्छी तरीके से 2 दिन धूप दिखा दिया है, सनलाइट में इसको अच्छी तरीके से रख दिया है, जिससे कि अगर किसी भी तरीके की कोई फंगस हो तो वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए, ये मैं थोड़े सा वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ और ज़्यादा नहीं है, और इसके अलावा 2 चम्मच नीम केक पाउडर, 2 चम्मच सी वीड जाइन, सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। और आपको मैं वैसे बता दूं कि 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल जिसमें कि सैंड मिक्स हो और 40% आप काऊ मैन्योर या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल सी आप मिट्टी इसकी सॉइल तैयार करिए, बस पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर चिकनी है आपके यहाँ की बिल्कुल मिट्टी तो आप उसमें सैंड मिक्स कर लीजिए, सैंड वो भी रिवर सैंड, समुद्री वो वाली नहीं, सी सैंड नहीं, बीच वाली वो वाली सैंड नहीं, जो रिवर सैंड होती है वो, बस एकदम नॉर्मल सी इसकी मिट्टी तैयार करिए। और इसमें चलिए मैं सारा कुछ ये मिक्स कर देती हूँ, फिर मैं गमले में भरती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने करीब आधे गमला भर दिया है, अब मैं इसको धीरे से रखने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मैं, अच्छा मैं इसका बिल्कुल भी जो रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, जैसा है वैसे ही रख रही हूँ, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, इसकी मिट्टी में नहीं हटाऊँगी, एकदम जैसे बिल्कुल वैसे ही रख रही हूँ। अब साइड में बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा मिट्टी भर के और भर देती हूँ और इसको शेड में ही रखना है, काफ़ी दिन तक इसको शेड में रखना है, शेड में ही आप रखिए, जब तक कि विंटर नहीं आ जाता, विंटर की बस मॉर्निंग की सनलाइट में ये चल जाएगा, बाकी आप इसको इनडायरेक्ट जहाँ पे लाइट हो आप वहीं रखिए, धूप में नहीं रखिए। और इसमें पूरी अच्छी तरीके से मिट्टी भर के
पहली बार जब हम लगाते हैं तो पानी बहुत अच्छी तरीके से वाटर देते हैं, इस तरीके से रुक रुक के भल दीजिए जिससे कि ड्रेनेज होल से वाटर बाहर आ जाए। पूरा मैं मिट्टी को भर दूं फिर पानी देती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई भी एयर पॉकेट्स नहीं बननी चाहिए उसके अंदर। हम जब पानी अच्छी तरीके से दे देते हैं तो फिर जब एयर पॉकेट्स नहीं बनती हैं अंदर तो फिर फंगस नहीं लगती है, ये रीज़न होता है। अब अभी थोड़ा सा रुक जाती हूँ, चलिए गार्डन थोड़ा दिखा देती हूँ आपको अपने गुलाब गुलाब। अब इतनी देर में पानी नीचे थोड़ा सा खसक गया होगा, देख लेती हूँ। ये देखिए अभी भी ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकला है, अभी और दूंगी, जब तक दूंगी जब तक कि ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकल जाएगा। शेड में रखती हूँ और अपडेट के साथ आपके साथ इसको शेयर करूँगा। तो पूरा मैंने आपको देखिए ये अपडेट ये दे दिया। अब आपको चलिए इसके बारे में कुछ केयर टिप्स दे दूँ। तो देखिए जब भी इसका पानी आप दीजिए, वाटर दीजिए, तो कभी भी इसकी पत्तियों के ऊपर से पानी मत दीजिए, पत्तियों के ऊपर मत दीजिए, सीधे मतलब आप गमले में ही दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं करिए। ये देखिए ये मिट्टी देखिए बिल्कुल ऐसे है, तो आज भी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, ठीक है, इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब तक देखूंगी कल थोड़ी सी ज़्यादा और सूखी, कल दे दूंगी, आज नहीं दूंगी। और फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको मंथ में आप एक बार इसमें दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं ऐसी चाहिए। तो कोई मतलब अच्छी डिकम्पोज्ड हुई गोबर की खाद हो तो साइड से इस तरीके से ऐसी मुट्ठी में लेकर के इधर से साइड साइड से डाल दीजिए, पूरा ऐसे यहाँ पे बीच में नहीं डाल दिया करिए, ऐसे करके साइड से ऐसे करके फिर ऐसे मिक्स करके पानी डाल दीजिए। नहीं है कुछ नहीं है तो कंपोस्ट दे दीजिए, बस मंथ में एक बार दीजिए, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। लाइट का ये है कि इसको जैसे अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे सनलाइट में रख रखा है, लेकिन इसको आप 6 घंटे के आसपास कम से कम ब्राइट सनलाइट में रखिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में सीधी धूप में नहीं रखिए, चल जाएगा, बहुत अच्छा चलता रहेगा। और भी पत्ते जितने बचे हैं ये सब भी लाल हो जाएंगे, पूरे लाल हो जाएंगे, थोड़े दिन में हो जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगी। और जैसे विंटर का टाइम है तो मॉर्निंग वाली जो सनलाइट है मैंने वहीं पे रख रखा है, और मॉर्निंग की जहाँ पे इसको पे पड़ती है तो 3-4 घंटे की सुबह की पड़ती है, उसके बाद से फिर यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको रख रखा है वहाँ पे फिर धूप नहीं आती है। तो इसको दोपहर की सनलाइट चाहे विंटर ही क्यों ना हो, सर्दियों की भी विंटर की भी जो धूप है उसमें भी आप जो दोपहर वाली जो सनलाइट होती है उसमें मत रखिए। बाकी आप अपना इसको शेड में रखिए, ब्राइट लाइट में रखिए, तो आराम से चलता रहेगा। आपके अगर धूप नहीं आती है तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है आप लगा सकते हैं। और जैसे कोई अगर आपको कोई भी जरा सा कोई फंगस या कोई चीज़ ऐसे, तो मुझे इतने दिन हो गया, 2 महीने हो गए, कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे दिखी। अगर आपको लगता है तो फिर आप अपना नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए सब जगह से, ये देख रहे हैं सब अच्छी खासी पूरी बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, ये देखिए। तो ये एक परमानेंट ही प्लांट है, इसको थोड़ा सा गर्मी में बचाना पड़ता है, किस तरीके से बचाना पड़ता है। और हाँ एक चीज़ मैं और बताती हूँ, मैं इसकी जो ये ब्रांचेस होती है ना बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, जैसे अगर इसको ऐसी जगह पे आप रखिए जहाँ पर तेज़ हवा ना चलती हो, जैसे इसको साइड में रखिए दीवार वार के साइड में, अगर तेज़ हवा चलती है ना तो ये टूट जाती हैं, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं, मतलब आपके हाथ से ही जरा सा भी ऐसे ये होंगी तो ये टूट जाएगी, इस तरह से रहती है। तो इसको हवा तेज़ हवा से बचा के रखिए, बस ये बहुत सुंदर लगती हैं, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। और बाकी जो है कैसे समर में इसकी कैसे केयर करनी है और इसके कलर को रेड लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका आपको मैं किसी और समय जब वीडियो बनाऊँगी बताऊँगी। वैसे इसको जो है धूप में मत रखिए, तेज़ जितना अंधेरा इसको मिलेगा, अंधेरे का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने इंडोर रख दिया, इंडोर नहीं रखना है, रूम के अंदर नहीं रखना है, हवा इसको मिलती है रूम के अंदर नहीं रखना है, इंडोर प्लांट नहीं है ये। तो चलिए जितना ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने सब बता दी, आपसे मिलती हूँ मैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।